नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनम और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कूल पे। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी भी एप्लीकेशन का बीटा वर्जन गूगल प्ले स्टोर से ऑफिशियली कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। लेकिन हमारी आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी व्यूअर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल का आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों जिस भी एप्लीकेशन का आप बीटा वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको उसे गूगल प्ले स्टोर में ओपन कर लेना है। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं, आजकल जो भी एप्लीकेशंस पॉपुलर हैं उनका बीटा वर्जन लेना काफी मुश्किल हो चुका है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको दो ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिनकी हेल्प के साथ आप किसी भी एप्लीकेशन के बीटा प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम एक अकाउंट से व्हाट्सएप बीटा प्रोग्राम में ऑलरेडी ज्वाइंट हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर लीव का ऑप्शन आ रहा है। हो सकता है कि आपको यहाँ पर ज्वाइन का बटन शो हो या फिर एक मैसेज डिस्प्ले हो जिसमें लिखा होगा कि व्हाट्सएप बीटा प्रोग्राम इज ऑलरेडी फुल। इसके लिए आपको सेकंड ट्रिक को अपनाना है, जहाँ पर आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और वहां पर सर्च करना है बीटा टेस्टर व्हाट्सएप। सर्च करने के बाद आपको play.google.com वाली वेबसाइट दिखाई देगी जिसका टाइटल होगा व्हाट्सएप बीटा गूगल प्ले। आपको उसे ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको बिकम में टेस्टर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको उसी जीमेल अकाउंट से लॉगिन होना जरूरी है जिसके साथ आपने गूगल प्ले स्टोर को लॉगिन कर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सक्सेसफुली व्हाट्सएप के बीटा प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया है। बीटा प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद आपको अपनी व्हाट्सएप को गूगल प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना है। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।